मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां जिले में करीब 1400 गांव हैं, जिनमें से 47 गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगी। सबसे अधिक 33 गांव भीमपुर ब्लॉक में हैं। आपको बता दें, बैतूल के जीरो वैक्सीन वाले अधिकतर गांव में आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनके बीच ये बात भी पहुंच गई कि वैक्सीन लगाने से लोग मर रहे हैं। जब भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने जाती है तो वो वैक्सीन लगवाने से मना कर देते हैं। कई जगह तो लड़ने को और पत्थर मारने को तैयार हो जाते हैं। सर बताएंगे कि बैतूल जिले में कुल कितने गांव हैं और अभी तक कितने गांव ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का प्रतिशत बहुत जीरो आ रहा है? हमारे जिले में करीब 1400 गांव है टोटल, और उन 1400 गांव में से 47 गांव विभिन्न विकास खंडों में ऐसे हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। जीरो वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन जगहों पर है। सर क्या वजह रही कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है? देखिए, अधिकतर गांव दूरस्थ इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है, और उन लोगों में वैक्सीन को लेकर कुछ भय की या भ्रम की स्थिति है। उनको जाने किस किस स्रोतों से जानकारी मिली है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया सर वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, या उनने बताया बीमार वैक्सीन के कारण ही हो रहे हैं। उनको हमने समझाया। गणेश भाई क्या करते हो काम? बस ऐसे रोजिंदा काम करता, खेत बाड़ी का। अच्छा गणेश भाई, टीका लगवा लिया आपने? अभी तो नहीं लगाया। क्यों, डर नहीं लग रहा? नहीं सर। कोरोना का डर नहीं लगता? अच्छा, गांव में कोई को हुआ कोरोना? नहीं सर, अभी तो ऐसे पता नहीं लगा। तो गांव में आए थे टीका लगाने वाले? नहीं आए।